अभी टेम्परेचर हो रहा है यहाँ का लगभग 2 से 3 के आसपास। और ये रहे हमारे नीरज भाई। हे गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग, एक नए फ्रेश व्लॉग में आपका स्वागत है। कैसे सारे सारे उम्मीद है बड़े होंगे, अपने घर होंगे, सेफ होंगे, स्टोमेंट बी सेफ, खोजलो रोजलो ना मिले तो खोजलो। भाई मैं निकल रहा हूँ सुबह सुबह लेह लद्दाख के लिए, मुश्किल से 3-4 घंटे में लेह लद्दाख पहुंच के मिलेंगे भाई। फ्लाइट जा रहा हूँ भाई, इसलिए पहुंच जाएंगे। जो इंस्टाग्राम पे फॉलो करते होंगे उन्हें पता है 2 से 3 महीने पहले फ्लाइट बुक है। एक बैग हमारा ये है और एक बैग ये है लैपटॉप वाला, और कुछ इस तरह का मैंने अपने रूम में सेटअप बनाया है। 1 साल पुराने टायर है मेरी गाड़ी के जो मैंने चेंज करा है, मैंने सोचा इनको यूज करा जाए। ये बीन बैग वगैरह है। और अभी बज रहे हैं सुबह के 5:40 होने वाले हैं, तो चलते हैं थोड़ी देर में। 6 बजे निकलेंगे घर से, फिर पकड़ेंगे मेट्रो सीधा एयरपोर्ट। 9:10 पे फ्लाइट है अपनी, और चेक इन हमें 8:30 बजे या 8:40 के आसपास चेक इन करना। तो गाइस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, 1 सेकंड लगना चैनल के सब्सक्राइब बटन दबाने में, बहुत मेहनत लगती है भाई ब्लॉग बनाने में। शूट करने में इतनी मेहनत नहीं है जितना एडिट वगैरह में, इतने उसके थंबनेल, डिस्क्रिप्शन और उसका टैग वगैरह, हैशटैग वगैरह, बहुत कुछ है भाई, बहुत मेहनत लगती है, बहुत दिमाग लगता है। पहले ही लगता पता कि ये ऐसी ही है। सो गाइस घर से निकल चुके हैं और अभी जा रहे हैं मेट्रो स्टेशन। मेट्रो स्टेशन 1 किलोमीटर के आसपास ही है। तो भाई रात तो खुशी में नींद ही नहीं आई, हर 1 घंटे में आँख खुल रही थी, हर 1 घंटे में आँख खुल रही थी। और अभी छोटा वाला भाई जा रहा छोड़ने मुझे मेट्रो स्टेशन, ऊपर चल रहे हैं। यहाँ से मेट्रो में बैठेंगे द्वारका 21 से, फिर 1 मेट्रो चेंज करनी पड़ेगी। चेंज करते ही अगला स्टेशन IG एयरपोर्ट है। तो हमारा एक बार नोएडा देख लो भाई, गाड़ी भाई चला दो, रंग बिरंगा नोएडा। तो भाई मेट्रो स्टेशन पर आ चुका हूँ, यहाँ भी चेक इन निकल गया, बस मेट्रो आ जाए। 2-3 मिनट हो गए मुझे आए हुए। तो भाई एयरपोर्ट तो पहुँचो, ये भाई को लिया मेट्रो स्टेशन से, मैंने भाई जल्दी पहुँचाया टर्मिनल 2 पर। टर्मिनल 2 का मुझे रास्ता भी नहीं पता, 3 का तो पता था। ये भाई बैग ले जा रहा मेरे दोनों, 80 रुपये लिए भाई, इससे सिर्फ 80 रुपये लिए और पहुँचा। तो भाई मैं पहुँच चुका हूँ बस में, और बहुत फिर बकाया भाई साहब चेक इन वालों ने लगेज उन्होंने लिया नहीं, कह रहा भाई चेक इन क्लोज हो गया, अब तुम जैसे तैसे कर लो। जैसे बहुत ही भागा दौड़ी करी मैंने, मन की भाई फ्लाइट नहीं छोटी थी चक्कर हो जाए, पूरे रास्ते तो आया नहीं था, फिर भी मिल गई, बस मिल गई। और अभी टाइम है फ्लाइट उठने में, 9:10 की फ्लाइट है। और चेक इन वाला ने बोल दिया था भाई जल्दी से जल्दी जाके चेक इन कर लो, 8:30 बजे चेक इन बंद हो चुका। मैंने भाई सिक्योरिटी वाला पकड़ा, मैंने कहा जल्दी मैं चेक इन कर, तो मैंने चेक इन करवाया फटाफट बहुत जल्दी। पसीने देख रहा हूँ भाई, एसी चल रहा है, जब पसीना आ रहा है इतने में। हमें सीट मिली है ये विंडो सीट, और बाग बाग का पकड़ी ली फ्लाइट।
मोती वाला पकड़ा मन की भाई मुझे मेरा बैग चेकिंग करा। फिर लगेज में मैं प्लेन में ही लेके आया हूँ, मेरा बैग तो हुआ ही नहीं चेक इन, तो फिर मेरे साथ ही चेक इन हुआ। फिर मैंने सिक्योरिटी में भी वहाँ बात करी, मन की भाई मेरी फ़्लाइट छूट गई, तुम जल्दी से मुझे अंदर करवाओ। फिर उन्होंने अंदर लिया, फिर मैं फ़्लाइट में बैठा, बैग अपने लगेज लेके साथ में गया मैं ऊपर तक प्लेन तक। और ये तो बढ़िया रहा कि बैग अपने साथ रहे, वरना बस बेल्ट के लिए रुको ये रुको, बैग आएगा थोड़ी देर में। तभी नीरज भाई को फ़ोन कर दिया मन की आ जाओ, वो कह रहे हैं ऑन द वे हूँ, मैं आ रहा हूँ 5-10 मिनट में। बाकी चलो चलते आ जाने दो नीरज भाई को, फिर उनके साथ मिल के गपशप मारते हैं, उन्हें बताते कैसे भाग भाग के फ़्लाइट पकड़ी है, जैसे ट्रेन पकड़ते हैं और बस वगैरह पकड़ते हैं ऐसी फ़्लाइट पकड़ी है मैंने। बाकी टेम्परेचर नॉर्मल है, अभी ठंड नहीं लगी, मैंने एक ही टी शर्ट डाली हुई है, ये गर्म मान लो यार नॉर्मल मान लो, ये एक टी शर्ट डाली हुई है। बाकी भाई जब तुम एयरपोर्ट से बाहर निकलोगे ना, सांस चढ़ रही है बोलने, आपको या तो डबल डोज का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, या फिर आपका RT-PCR होगा यहीं पे ऑन द स्पॉट वाला जो होता है वो वाला होगा। हम ले पहुंच चुके हैं और ये रहे हमारे नीरज भाई, ये लेने आए थे एयरपोर्ट, अभी पराठा वराठा भी खिला दिया, चाय वाय भी पिला दी, अब कह रहे हैं जा रहे हैं अपने काम से, फिर कह रहे शाम वाम को आऊँगा, इतने मैं आराम करता हूँ खा लेना, बाकी मैं गोली वोली खा के सो जाता हूँ, रेस्ट कर लेता हूँ पूरी रात।